वो गेम ही क्या जिसमें रोमांच ना हो, जिसमें हार जीत ना हो और सबसे खास जिसमें प्रेडिक्शन ना हो। वैसे तो प्रेडिक्शन हर गेम में होता है, लेकिन जो मज़ा क्रिकेट प्रेडिक्शन में है वो किसी और गेम में नहीं। इसलिए कैश कर्ले लेकर आता है अपने क्रिकेट फैंस के लिए फैक्ट बेस्ड प्रेडिक्शन। दोस्तों, कैरेबियन प्रीमियर लीग में अब क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके तहत पहला क्वालिफायर मुकाबला गुआना अमेजन वॉरियर्स और बारबाडोस रॉयल्स के बीच खेला जाएगा, जबकि एलिमिनेटर मुकाबला सेंट लूसिया किंग्स और जमैका थलावास के बीच खेला जाएगा। पहला क्वालिफायर मुकाबला जो गुआना और बारबाडोस के बीच खेला जाएगा वो 27 सितंबर को खेला जाएगा, जहां ये दोनों ही टीमें भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे प्रोविडेंस स्टेडियम गुआना में आमने सामने होंगी। कैरेबियन प्रीमियर लीग का अंतिम मुकाबला भी गुआना बारबाडोस के बीच खेला गया था, जहां गुआना ने बारबाडोस को 5 विकेट से हरा दिया था। लेकिन एक बार फिर ये दोनों टीमें पहले क्वालिफायर मुकाबले में आमने सामने नजर आएंगी। दोस्तों, कैरेबियन प्रीमियर लीग के क्वालिफायर एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबला प्रोविडेंस स्टेडियम गुआना में खेला जाएगा। इस लीग में अभी तक 7 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं, जिनमें 4 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जबकि 2 मुकाबले स्कोर का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 1 मैच बारिश की वजह से ड्रॉ रहा। हालांकि इस दौरान इतिहास की बात करें तो अभी तक अधिकतर मुकाबले स्कोर का पीछा करने वाली टीम ने ही जीते हैं। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी ही चुन रही है। कैरेबियन प्रीमियर लीग के आगामी सभी मुकाबले इस मैदान पर खेले जाएंगे। इस मैदान के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस मैदान की दर्शक क्षमता लगभग 15,000 है। ये मैदान वेस्ट इंडीज के प्रमुख मैदानों में शामिल है, जहां कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित हो चुके हैं। अब तक इस मैदान पर कुल 24 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 13 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 11 मुकाबले स्कोर का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं। वनडे मुकाबलों में इस मैदान पर औसत स्कोर 220 से 230 रन के आसपास रहता है, जबकि इंटरनेशनल T20 मैचों की बात करें तो अभी तक 8 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं, जिसमें 3 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 5 मुकाबले स्कोर का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं। T20 इंटरनेशनल मुकाबले में इस मैदान पर औसत स्कोर 150 से 160 रन के आसपास रहता है, जबकि इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 183 रन इंग्लैंड ने बनाए हैं और लेटेस्ट स्कोर 76 रन आयरलैंड के नाम है। बात करते हैं इस मैदान पर खेले गए T20 डोमेस्टिक मुकाबलों की। अभी तक इस मैदान पर कुल 36 T20 डोमेस्टिक मैच खेले गए हैं, जिसमें 14 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि स्कोर का पीछा करने वाली टीम ने 21 मुकाबले जीते हैं। T20 डोमेस्टिक मुकाबलों में इस मैदान पर औसत स्कोर 140 से 150 रन के आसपास रहता है, जबकि इस मैदान पर 218 रन हाईएस्ट स्कोर गुआना अमेजन वॉरियर्स के नाम रहा है, वहीं लोएस्ट स्कोर 69 रन जमैका टीम के नाम रहा। पिछले 5 मुकाबलों में देखने को मिला है कि इस मैदान पर बल्लेबाजों ने काफ़ी रन बनाए, लेकिन अंतिम लीग मैच में काफ़ी कम स्कोरिंग इस मैदान पर देखने को मिली। आखिरी लीग मुकाबला बारबाडोस और गुआना के बीच खेला गया था, जहां बारबाडोस ने पहले खेलते हुए सिर्फ 125 रन ही बना पाई, जो गुआना की टीम ने आसानी से इस स्कोर को हासिल कर लिया। पिछले कुछ मैचों में ही अभी देखने को मिला है कि बल्लेबाजों के साथ साथ मैदान स्पिन गेंदबाजों को भी काफ़ी मदद दे रहा है और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। जबकि मौसम की बात करें तो कल होने वाले इस मुकाबले में बारिश का असर देखने को मिल सकता है और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने वाला है। अब दोनों ही टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो पहले बात करेंगे गुआना अमेजन वॉरियर्स की। गुआना अमेजन वॉरियर्स एक समय टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन पिछले 4 मुकाबलों में टीम ने लगातार जीतकर ये दिखा दिया कि ये टीम वापसी करने की क्षमता रखती है। टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो शाकिब अल हसन के जुड़ने के बाद टीम काफ़ी मजबूत हो गई है और पिछले मुकाबले में शाकिब अल हसन ने बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल दिखाया था। शाकिब अल हसन ने पिछले मुकाबले में 53 रनों की पारी खेली और 2.3 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट भी झटका और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा टीम के पास गुरबाज, चंद्रपाल, शाईहो और हेतमायर जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले कुछ मैचों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जबकि गेंदबाजी की बात करें तो रोमारियो शेफर्ड, कीमो पॉल, ऑडेन स्मिथ, इमरान ताहिर और गुड़ाकेश मोती जैसे गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है और सामने वाली टीम को काफ़ी कम स्कोर पर रोका है। ऐसे में पहले क्वालिफायर मुकाबले में गुआना की प्लेइंग 11 की बात करें तो चंद्रपॉल हेमराज, गुरबाज शाईहो, शाकिब अल हसन, हेतमायर, रोमारियो शेफर्ड, गुड़ाकेश मोती, कीमो पॉल, जूनियर सिंक्लेयर, ऑडेन स्मिथ और इमरान ताहिर को टीम में शामिल किया जा सकता है।
जबकि बारबाडोस रॉयल टीम की बात करें तो कैरेबियन प्रीमियर लीग की इस टीम में सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है। हालांकि पिछले मुकाबले में गोआना ने बड़ी ही आसानी से बारबाडोस को हरा दिया था, लेकिन इसके पहले क्वालिफायर मुकाबले में बारबाडोस की टीम वापसी कर सकती है, क्योंकि टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अंतिम मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा और इसके कारण टीम का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज क्रम का फ्लॉप होने पिछले मुकाबले के कॉर्नवेल मायर्स ट्रैक्टर जैसे बल्लेबाज काफ़ी सस्ते में मैदान पर लौट गए। हालांकि इसके बाद आजम खान और जैसन हेल्डर ने पारी को संभाला। इस टीम के गेंदबाज अभी भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले क्वालिफायर मुकाबले के लिए बारबाडोस की प्लेइंग 11 की बात करें तो रकीम कॉर्नवॉल, काइले मायर्स, हैरी ट्रैक्टर, आजम खान, जैसन होल्डर, नजीबुल्ला, डेवन थॉमस, मुजीबुर रहमान, ओबेड मकॉय, रेमोन सिमोंडस, जोशुआ बिशप को टीम में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो गोआना के मुकाबले बारबाडोस की टीम काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि पिछले मुकाबले में गोआना की टीम ने आसानी से बारबाडोस को 5 विकेट से हरा दिया, लेकिन पहले क्वालिफायर मुकाबले में बारबाडोस वापसी कर सकती है और क्वालिफायर मुकाबला बारबाडोस की ही टीम जीत सकती है। और अब ड्रीम 11 टीम की बात करें तो काइले मायर्स, हैरी ट्रैक्टर, आजम खान, गुरबाज, शाई होप, शाकिब अल हसन, हेथ मायर, जैसन होल्डर, मुजीबुर रहमान, इमरान ताहिर, रोमारियो शेफर्ड को टीम में शामिल किया जा सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं, यहाँ क्लिक करके आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और अपने सभी डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सब कुछ बता सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए।